नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल में। दोस्तों आज है 23 जनवरी। अब आप पूछेंगे 23 जनवरी है भाई, तो इसमें नया क्या है? तो नया जरूर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो 23 जनवरी को नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन 23 जनवरी को अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे, मतलब कि थोड़ा सा हिस्ट्री पे नजर डालेंगे, तो आज की डेट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे या बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की आज बर्थ डेट भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की आज की डेट में डेथ भी हुई है। राइट दोस्तों, तो एक स्टेटिक जीके के रूप में आप इसको सर्च कर सकते हैं अलग से, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज उससे रिलेटेड हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेट करती हैं वो आप एक तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 23 जनवरी को स्पेशली क्यों डिस्कस करने वाले हैं या ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब भी ये मैं नाम सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब बचपन से लेकर आज तक जब भी फ्रीडम स्ट्रगल की बात होती है या फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड लीजेंड्स की बात होती है तो उनमें सबसे पहले मेरे दिमाग में या मेरे आंखों के सामने जो छवि आती है वो आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है और अपने आप में बहुत ही लीजेंड पर्सनैलिटी रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका मानना था कि फ्रीडम इज नॉट गिवन इट इज टेकन, मतलब कि आजादी मिलती नहीं है इसे हासिल की जाती है। यहाँ दोस्तों यही इनका मानना था और एक तरीके से यही एक बहुत बड़ा एक तरीके से वैचारिक मतभेद बन गया था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच, जिसकी वजह से एक तरीके से इन दोनों ने अपने अपने अलग रास्ते चुने। तो वो क्या था एक्चुअल में, किस तरीके से, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। राइट दोस्तों, बिकॉज छोटे छोटे एग्जाम्स में भी कई बार आपके ये छोटे छोटे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें उनका एक तरीके से जो नाम दिया जाता है नेताजी, तो नेताजी एक तरीके से उनको प्यार से बोला जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अगर इसकी वर्ड मीनिंग में हम जाएं तो नेताजी का मतलब ये है कि रिस्पेक्टेड लीडर। जी हाँ दोस्तों, नेताजी या रिस्पेक्टेड लीडर उनको क्यों बोला जाता था वो भी हम देखेंगे आगे, बिकॉज इनका कांग्रेस में एक तरीके से रोल रहा है और रोल इस तरीके से रहा है कि यूथ के बीच में इनकी जो छवि रही है या इनकी जो पहचान रही है वो काफी एक तरीके से पॉपुलर रही है। राइट दोस्तों, इस वजह से खासतौर पर यूथ ने इनको नाम दिया नेताजी। राइट दोस्तों, तो इनका नाम एक तरीके से दिया गया नेताजी और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में। और इनकी जो मृत्यु बताई जाती है वो 18 अगस्त 1945 को ताइपी ताइवान में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनकी जो मृत्यु है वो अभी तक एक तरीके से मिस्ट्री बनी हुई है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में इनकी जो डेथ हुई थी वो किस कारण से हुई थी। बट यहाँ पे यही बताया जाता है कि विमान हादसे के द्वारा इनकी मृत्यु होती है। और कहाँ पे होती है? ताइपी ताइवान, जो कि उस समय जापान के कंट्रोल में था। राइट, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या इन्होंने किसी चीज की स्थापना की थी, किसी पार्टी की स्थापना की थी, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एक तरीके से ये कांग्रेस की लेफ्ट पार्टी बोली जा सकती है उस दौरान। अब आप यहाँ पे गेस जरूर लगा सकते हैं कि लेफ्ट पार्टी क्यों इसको बोला गया, बिकॉज एक तरीके से जो वैचारिक मतभेद रहा है सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच, वो वैचारिक मतभेद ही यहाँ पे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का कारण बनती है। राइट दोस्तों, और अगर हम यहाँ पे पॉलिटिकल अफिलिएशन की बात करें तो जिस मैंने आपको बताया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, 2 बार उसके अध्यक्ष रह चुके थे। राइट, और उनके अगर हम नोटेबल वर्क्स को देखें, मतलब उनकी राइटिंग को देखें, तो उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक बुक भी लिखी थी। राइट दोस्तों, और अगर उनके रोल को देखें तो उनका जो रोल रहा है वो अहिंसात्मक रूप से जो रोल रहा है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी रहा है। राइट दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप इसको दिमाग में रख लीजिए और याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो आपसे ये मिस ना हो। और दोस्तों अब बात आती है सुभाष चंद्र बोस को मोटे तौर पर जानने की, यानी कि इनके इंट्रोडक्शन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं या जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उनमें से जितने भी लीजेंड्स ने पार्टिसिपेशन दिया है उन लीजेंड्स में से एक
महत्वपूर्ण जो लीजेंड रहे हैं वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक इंडियन नेशनल फोर्स को लीड करते हैं, और ये जो फोर्स होती है वो वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ होती है, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल फोर्स वो क्या थी, किस तरीके से उसका संगठन था, वो किस तरीके से फंक्शनल मोड में थी उस टाइम पे, ये सब आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इनके इंट्रोडक्शन में आप जानिए कि किस तरीके की हिम्मत उन्होंने जुटाई होगी सुभाष चंद्र बोस ने, कि डायरेक्टली उन्होंने वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ लड़ने की ठानी, और वो भी अपने देश में ना रहकर बल्कि दूसरे देश में जाकर वहां अपने देश के सैनिकों को संगठित करके। तो इससे आप एक तरीके से अंदाजा मोटे तौर पर ये आप लगा ही सकते हैं कि एक फौज को संगठित करने की जो क्षमता रही होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर वो क्या रही होगी, और संगठित सेना को नेतृत्व देने की जो क्षमता रही होगी वो क्या रही होगी। राइट दोस्तों, तो ये आगे अभी हम आप डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहां पे अगर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूं, तो मैं आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक तरीके से मतलब कि वो महात्मा गांधी के समकालीन थे, लेकिन कई बार क्या होता था कि उनके विचार उनसे मिलते थे लेकिन कई बार नहीं भी मिलते थे। तो एक तरीके से उन दोनों के बीच में जो थॉट अलायंस रहता था वो कई बार बन जाता था, कई बार बिगड़ जाता था, और इस वजह से लास्ट में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस अपनी जो एक थ्योरी है, मतलब अपना जो उन्होंने सिद्धांत बनाया था कि आजादी जो है वो मिलती नहीं है बल्कि उसे हासिल की जाती है, तो इस सिद्धांत के बेसिस पे उन्होंने एक तरीके से मिलिटेंट अप्रोच रखा, मतलब कि जो ब्रिटिश एम्पायर था उस एम्पायर के खिलाफ या उस एम्पायर से भारत को आजादी दिलाने के टर्म में उनका जो एक तरीके से सिद्धांत बन चुका था, उस सिद्धांत में उन्होंने अपना मिलिटेंट अप्रोच रखा, और इस मिलिटेंट अप्रोच में वो काफी एक तरीके से कमिटेड हो गए थे कि अब मुझे इसी रास्ते पे चलना है। तो फाइनली क्या होता है कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो अलगाव होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैचारिक अलगाव होता है, वैचारिक मतभेद के कारण होता है, व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई मनमुटाव नहीं होता है। आप कहीं पे भी कोई भी रिसर्च करेंगे, कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, तो कहीं पे भी सुभाष चंद्र बोस ने मतलब कि महात्मा गांधी के बारे में कोई भी एक तरीके से मतलब उनको कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आजादी दिलाने के मकसद से या आजादी दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वैचारिक मतभेद को ही पॉइंट आउट किया है। राइट दोस्तों, तो वो वैचारिक मतभेद क्या था आप मोटे तौर पर समझ गए होंगे। जहां दोस्तों महात्मा गांधी हमेशा की तरह अहिंसावादी सिद्धांत पे चल रहे थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिटेंट अप्रोच रख चुके थे, मतलब कि एक तरीके से वो हिंसा के पक्ष में आ चुके थे। उनका मानना था कि हमें संगठित होकर अपनी आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपना एक तरीके से बलिदान देना पड़ेगा। राइट दोस्तों, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि उनकी अर्ली लाइफ किस तरीके से रही है, उनका जन्म कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, उनके फादर क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो जन्म होता है वो 23 जनवरी 1897 को कटक में होता है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और उनकी जो माता का नाम रहता है वो है प्रभावती दत्त, और उनके जो पिता हैं वो हैं जानकीनाथ बोस। जी हाँ दोस्तों, ये इनके माता पिता हैं, और उनके जो पिता थे वो एक सक्सेसफुल लॉयर थे, और उन्होंने एक टाइटल रिसीव किया था, मतलब कि अपनी वकालत से उन्होंने एक टाइटल भी रिसीव किया था, वो टाइटल था राय बहादुर। ये टाइटल भी दोस्तों आप याद कर सकते हैं, इसके टर्म में भी क्वेश्चन एक दो बार बन चुके हैं, डेफिनेटली आगे भी बन सकता है। राइट, तो राय बहादुर टाइटल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी को दिया जाता है उनकी अच्छी वकालत के लिए। राइट दोस्तों, उनकी जो स्कूलिंग होती है वो प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से होती है, जो कि इस समय स्टीवर्ट हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो कि कटक में है। राइट, तो ये स्कूल का नाम हो गया। और उनकी जो मतलब बैचलरेट होता है, जो बैकलरेट उपाधि मिलती है उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से मिलती है, मतलब उन्होंने अपनी जो बैचलर डिग्री हासिल की है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से हासिल की है। राइट दोस्तों, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी है, वो आप एक तरीके से सर्च करिए वो किस्सा क्या है और मुझे बताइए कॉमेंट में। राइट दोस्तों, और फाइनली क्या होता है कि उनके पेरेंट्स उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजते हैं ताकि वो आईसीएस की तैयारी कर सकें, आईसीएस की पढ़ाई कर सकें।
सकें। जी हाँ दोस्तों, ICS जो एक तरीके से इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम होता था और एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में उस टाइम का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये है कि आज की डेट में जिस तरीके से इंडिया में IAS की प्रिपरेशन को टफ माना जाता है, उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में उस समय ICS के एग्जाम को टफ माना जाता था। और पूरे वर्ल्ड में मतलब खासतौर पर जो ब्रिटिश एम्पायर के लोग थे उसकी तैयारी दो दो तीन तीन चार चार साल तक करते थे, लेकिन नेताजी ने एक साल के अंदर ही अंदर इसको एक तरीके से तैयारी करके इस एग्जाम को पास किया था, राइट। तो एक तरीके से उनके इंटेलिजेंस का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एग्जाम पास करने के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस नौकरी को नहीं करते हैं, नौकरी स्वीकार नहीं करते हैं। बिकॉज उस टाइम क्या होता है कि 1921 में, अप्रैल 1921 में एक तरीके से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा होता है और खासतौर पर उसमें गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें एक बहुत बड़ा टर्मोइल आता है और उस टर्मोइल की वजह से वो डिसीजन लेते हैं कि वो ICS की नौकरी नहीं करेंगे और एक तरीके से देश की सेवा करेंगे, राइट दोस्तों। तो यही जो एक डिसीजन मेकिंग होता है इनकी तरफ से, वही इनको अपने मादरे वतन की सेवा के लिए, मादरे वतन को मुक्त कराने के लिए एक तरीके से जो प्रेरणा मिलती है वो यहीं से मिलती है, राइट दोस्तों। और अब देख लेते हैं यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उस टाइम की जो कांग्रेस थी उनके बीच आपस में क्या संबंध थे, मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कांग्रेस से किस तरीके से जुड़े हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि 1923 में बोस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस इलेक्ट किए जाते हैं एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस, मतलब कि बंगाल स्टेट कांग्रेस के भी सेक्रेटरी चुने जाते हैं और नेशनल लेवल पे ये ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, राइट दोस्तों। तो 1923 में एक तरीके से इनकी एंट्री होती है यहां पे, मतलब कि कांग्रेस में एक रोल के रूप में इनकी एंट्री होती है 1923 में, राइट दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, इनको 1925 में मांडले जेल में भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? मांडले जेल 1925 में, ड्यू टू हिज कनेक्शंस विद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वेयर ही कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरकुलोसिस। मतलब क्या था कि इसमें 1925 में उन पे एलिगेशन लगाया जाता है कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हैं और इस वजह से इनको गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, इसी गिरफ्तारी के दौरान, मतलब इसी कारावास के दौरान वो ट्यूबरकुलोसिस के भी शिकार हो जाते हैं, राइट। दूसरा, अगर हम यहां पे देखें कि कांग्रेस में उनका क्या ओहदा बाद में बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो मैं आपको बता दूं कि बोस को 1938 हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने के लिए, मतलब कि उस अधिवेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कब चुना जाता है? 1938 हरिपुर अधिवेशन के लिए, राइट दोस्तों। और दोस्तों, 1939 में उनको फिर से रीइलेक्ट किया जाता है और इस बार होता क्या है कि 1939 में जो कि त्रिपुरी अधिवेशन में उनको अध्यक्षता के लिए चुना जाता है, उसमें जब उनको चुना जाता है तो होता क्या है कि ये पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं। पट्टाभी सीतारमैया जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा समर्थित एक कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं और यहीं पे महात्मा गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं और वो ये बोलते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है, राइट दोस्तों। तो एक तरीके से यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने क्यों दिया आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में उस टाइम पे एक तरीके से क्लियरली यह समझ में आ गया था कि दोनों के सिद्धांत जो हैं वो अलग अलग हैं, राइट दोस्तों। और अपने इसी सिद्धांत की वजह से, मतलब कि अपने जो एक तरीके से मिलिटेंट अप्रोच को लेकर चल रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसी सिद्धांत की वजह से वो फाइनली 1939 में क्या करते हैं, अपनी प्रेसिडेंसी से रिजाइन दे देते हैं और वो एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों हुई थी, कब हुई थी, राइट। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एक तरीके से उस टाइम की कांग्रेस की लेफ्ट पार्टी बोली जा सकती है, या इसके जो सदस्य थे वो लेफ्टिस्ट थे, मतलब कि इसके जो सदस्य थे वो एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस को लाइक करते थे, उनके सिद्धांत को मानते थे। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पार्टी के जो मेंबर्स थे वो मोटे तौर पर गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत के प्रति श्योर नहीं थे। जहां दोस्तों, मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं श्योर, मतलब कि वो श्योर नहीं थे, मतलब वो एक तरीके से कंफ्यूज आप बोल सकते हैं कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि गांधी जी अपने अहिंसावादी सिद्धांत से देश को आजादी दिला भी पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, लेकिन अगर नहीं दिला पाएंगे तो हमें मरना तो पड़ेगा ही, मतलब हमें लड़ना तो पड़ेगा ही अपने देश की आजादी के लिए, राइट दोस्तों। तो यहां पे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है और इसको जरूर आप दिमाग में रख लें, बिकॉज ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, अगर यहां पे बात करें आजाद हिंद फौज की, मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज से किस तरीके से रिलेट करते हैं, बहुत सारा नाम आपने सुना है यहां पे आजाद हिंद फौज की।
की, जय हिंद का नारा आपने सुना है, तो आजाद हिंद है क्या इसके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं। तो आजाद हिंद के लिए शुरुआत कहां से होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, होता क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एलिगेशन लगाकर, मतलब कि उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि वो बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हैं या उन गतिविधियों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको पहले जेल में रखा जाता है, लेकिन फाइनली वो वहां पे स्ट्राइक कर देते हैं और जिसकी वजह से वो मतलब एक तरीके से मरने के स्टेज पे आ जाते हैं। तो होता क्या है कि ब्रिटिश प्रशासन ये डिसीजन लेता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके घर पर ही नजरबंद रखा जाएगा, तो उनको घर पे एक तरीके से नजरबंद रखा जाता है, लेकिन नेताजी अपने घर से भी एक तरीके से वेश बदल कर निकल जाते हैं, मतलब एस्केप कर जाते हैं। और उनका जो प्लान रहता है वो प्लान ये रहता है मोटे तौर पर कि वो यहां से निकल कर एक तरीके से रूस पहुंचेंगे, मतलब ये है उनका थॉट प्रोसेस ये था कि देखिए इसको थोड़ा से कॉन्टेक्स्टुअल तरीके से आप समझिए, होता क्या है कि उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर जो थी वो एक तरीके से साम्राज्यवादी शक्ति थी और जो रूस था वो एक तरीके से साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ था, या जो साम्राज्यवादी जो मुहिम थी उसके खिलाफ था, उस सिद्धांत के खिलाफ था। और आपको मालूम होना चाहिए कि उस टाइम पे रशिया में जो कम्युनिज्म चल रहा था उसकी वजह से वो वर्ल्ड में एक तरीके से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, और खास तौर पे छोटे छोटे देशों में और उन देशों में जहां पर ब्रिटिश एम्पायर काबिज था, या उन सारे स्टेट्स में जहां पर ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज थी, राइट दोस्तों। तो इस वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोचते हैं, ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अगर वो यहां से निकलकर रशिया पहुंच जाते हैं और रशिया में अपनी जो एक तरीके से मादरे वतन है, मादरे वतन को आजाद कराने के लिए जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई में अगर हम रशिया का सहयोग मांगे और खास तौर पे जो साम्राज्यवादी शक्ति है उस साम्राज्यवादी शक्ति को उखाड़ फेंकने के टर्म में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली रशिया हमारी मदद करेगा, राइट दोस्तों। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से या इसी स्ट्रेटजी के साथ वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको एक तरीके से रशिया से कनेक्शन नहीं बन पाता है, वो रशिया नहीं जा पाते हैं, लेकिन फाइनली वो क्या करते हैं कि वो बर्लिन पहुंचते हैं, मतलब पेशावर और अफगानिस्तान के रास्ते वो कहां पहुंचते हैं, बर्लिन पहुंचते हैं। जी हां दोस्तों, अब बर्लिन क्यों, तो अब यहां पे आप ये भी जानिए कि ये टाइम वो था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तरीके से जो मित्र राष्ट्र थे और जो धुरी राष्ट्र थे उनके बीच ये संघर्ष चल रहा था। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो धुरी राष्ट्र थे उनमें जर्मनी थे, इटली थे, जापान थे, तो एक तरीके से ये जो धुरी राष्ट्र थे वो भी साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे। साम्राज्यवादी शक्तियां मतलब मित्र राष्ट्र, जिसमें मतलब कि इंग्लैंड है, फ्रांस है और भी ये सारी कंट्रीज हैं, इन सारी कंट्रीज के खिलाफ, राइट दोस्तों। और दोस्तों इसी आशा के साथ सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में एक तरीके से सेटल होते हैं, वहां पे अपना एक मेमोरेंडम तैयार करते हैं, उस मेमोरेंडम में वो एक तरीके से मेंशन करते हैं या हिटलर के एक तरीके से संबोधित करते हैं, हिटलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके द्वारा, मतलब कि आपकी कंट्री के द्वारा जो भारतीय मूल के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए यहां पे जो गिरफ्तारी का मामला है वो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हो क्या रहा था कि ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से भारतीय मूल के सैनिक लड़ रहे थे इसी विश्व युद्ध के दौरान, मतलब कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इसी में ब्रिटिश एम्पायर के तरफ से भारतीय मूल के सैनिक लड़ रहे थे, और इन्हीं सैनिकों को, बहुत सारे सैनिकों को जो एक्सिस राष्ट्र थे, मतलब कि जो धुरी राष्ट्र थे और उनमें जर्मनी एक तरीके से प्रमुख राष्ट्र था, तो उसने भी बहुत सारे सोल्जर्स को गिरफ्तार किया था। तो सुभाष चंद्र बोस अपने मेमोरेंडम में ये बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके द्वारा जो गिरफ्तार सैनिक हैं उनको आप हमें सौंपिए, हम उनको संगठित करके एक तरीके से इन साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ेंगे, खास तौर पे भारत को आजादी दिलाने के लिए, मतलब कि एक तरीके से उस मेमोरेंडम में ये रिक्वेस्ट रखते हैं और अपना एक्शन प्लान बताते हैं, राइट दोस्तों। तो यहीं से शुरुआत होती है आजाद हिंद फौज की, जी हाँ दोस्तों। और इसी आजाद हिंद फौज को सशक्त बनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे यूरोप में उस टाइम पे साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ जो लड़ने वाली शक्तियां थी, खासतौर पे हिटलर और मुसोलिनी, उनसे संपर्क साधते हैं, उनसे एक तरीके से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हिटलर और मुसोलिनी इनकी हेल्प कर पाए आजाद हिंद फौज को खड़ा करने के लिए, राइट दोस्तों। और दोस्तों यहां पे होता क्या है कि जर्मन्स के द्वारा एक तरीके से यहां पे आजाद हिंद रेडियो को भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उसको भी एक तरीके से स्पॉन्सर किया जाता है, राइट दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजाद हिंद रेडियो जो कि जर्मन के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, आप इसको दिमाग में रख लें, इसके टाइम में भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट दोस्तों। अगर हम रेडियो की बात करें, रेडियो के टाइम में जो क्वेश्चन बना है वो आप जरूर यहां पर याद रख लीजिए कि बोस ने पहली बार 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को एड्रेस किया था
और उन्हें बोला था फादर ऑफ द नेशन। जी हाँ, मतलब कि राष्ट्र के जो बापू हैं, ये जो वर्ड बोला जाता है महात्मा गांधी के लिए बापू, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। राइट दोस्तों, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आजाद हिंद फौज को किस तरीके से यहाँ पे संगठित किया जाता है। इस संगठन में एक तरीके से जर्मनी किस तरीके से हेल्प करता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप जरूर जान लीजिए, वो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में, मतलब कि बर्लिन में रहते हुए ही, मतलब कि जर्मनी में रहते हुए ही उन्होंने एमिली सेंकलिन नाम की लड़की से ब्याह रचाया था, मतलब कि शादी की थी, मतलब कि उनकी जो वाइफ थी वो थी एमिली सेंकलिन। और शादी के बाद इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वॉर टाइम चूंकि चल रहा होता है, और उस टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक मिशन पर थे, उनका मिशन यही था कि मादरी वतन को स्वतंत्र कराना है, और इसी को फुलफिल करने के लिए उनको जापान रवाना होना पड़ता है। राइट, तो एक तरीके से वो अपना जो पिता का प्यार है वो अपनी पुत्री को नहीं दे पाते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम व्यक्तिगत लाइफ को ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मेन जो इंपॉर्टेंस रोल रहा है इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए वो क्या रहा है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी कड़ी में आप देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी का एक तरीके से नाम कब आता है, क्यों आता है, और ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जर्मनी में रहते हुए उनको लगता है कि अब उनका जो मिशन है वो ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उनका डाउट जर्मनी के ऊपर तब ज्यादा बढ़ जाता है जब ये देखते हैं कि जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया है। जी हां दोस्तों, जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया था 1941 में, और वहीं पे एक तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये समझ जाते हैं कि अब शायद जर्मनी भी इन साम्राज्यवादी शक्तियों के आगे इसको घुटने टेकने पड़ जाएं। तो वो एक तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बदलते हैं, एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं या एक तरीके से सोर्स लगाते हैं कि वो किस तरीके से वो जापान पहुंचे और वहां पे इंडियन नेशनल आर्मी को संगठित करके और उसको नेतृत्व देकर उसको इंडिया के स्ट्रगल में शामिल कर पाए, मतलब कि इंडिया को आजादी दिलाने के लिए उसका यूज कर पाए। तो दोस्तों यहीं पे इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो एक तरीके से राज बिहारी बोस के द्वारा, ये एक तरीके का संगठन है, एक तरीके की आर्मी थी जिसको राज बिहारी बोस ने इंडिया के स्ट्रगल के लिए बनाया था। और फाइनली क्या होता है कि राज बिहारी बोस डिसीजन लेते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी की जो जिम्मेवारी है, जो नेतृत्व क्षमता है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दी जाए ताकि वो इस आर्मी को एक तरीके से बढ़ा सकें और इसको नेतृत्व दे सकें। राइट दोस्तों, और दोस्तों फाइनली जब यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिल जाती है, तो यहीं पे वो एक कॉल देते हैं, एक नारा देते हैं जिसका नाम है दिल्ली चलो। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चलो ये यहीं पे देते हैं, मतलब कि सिंगापुर में वो 1943 में पहुंचते हैं और वहां पे, मतलब कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो एक तरीके से हेडक्वार्टर था वहां पे ये एक कॉल देते हैं जिसका नाम है दिल्ली चलो। जी हाँ दोस्तों, कमान संभालने के बाद ये एक तरीके की पहली कॉल थी उनकी इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। राइट दोस्तों, तो इसी आर्मी के तहत या इसी नेतृत्व क्षमता के बल पर एक तरीके से वो, चूंकि उनको एक तरीके से बहुत क्लैरिटी होती है कि अगर हमारी आर्मी बढ़ जाती है और इसमें ज्यादा ज्यादा सैनिक शामिल होते हैं और इनको सक्षम बनाने के लिए अगर जापान हमारी हेल्प करता है तो डेफिनेटली हम ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ पाएंगे और आजादी ले पाएंगे, तो क्यों ना हम अपनी सारी तैयारी पहले से कर लें। तो इसी पर्सपेक्टिव में वो क्या करते हैं कि आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं 21 अक्टूबर 1943 को। जी हां दोस्तों, आजाद हिंद गवर्नमेंट को एक तरीके से जापान की रिकॉग्निशन मिल चुकी होती है, एक तरीके से मान्यता मिल चुकी होती है, और यहीं पे शुरू होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक तरीके से सीधे तौर पे लड़ाई ब्रिटिश एंपायर के खिलाफ। और दोस्तों अगर हम यहां पे बात करें आईएनए के कंपोजिशन की, मतलब कि इस संगठन में यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में एक तरीके से कितने सैनिक शामिल थे या उसकी पावर क्या थी, तो मैं आपको बता दूं, आप यहां पे एक नंबर देख पा रहे हैं 50,000। जी हां दोस्तों, ये जो 50,000 सैनिक थे एक तरीके से, इसमें वो लोग भी शामिल थे, मतलब कि इंडियन सिविलियंस भी शामिल थे जो साउथ ईस्ट एशिया में गए थे एक तरीके से मजदूर बनकर, मतलब कि खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया में रबर की खेती काफी ज्यादा की जा रही थी उस समय कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस खेती को करने के लिए यहां पे इंडियन सिविलियंस को भी ले जाया गया था। राइट, तो इन सब को संगठित करके यहां पे जो सैनिक क्षमता बनती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वो ऑलमोस्ट 50,000 हो जाती है। राइट दोस्तों, तो आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी आप समझ सकते हैं, बिकॉज अगर आप एक डेटा देखें तो डेटा ये है कि उस टाइम पे, मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से या ब्रिटिश मूल के जो सैनिक थे वो ऑलमोस्ट 70
70,000 थे, कितने थे 70,000 के आसपास थे। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 70,000 सैनिक जो थे वो ब्रिटिश मूल के थे और जितने भी और सैनिक थे वो भारतीय मूल के थे। तो मतलब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्ट्रेटजी थी वो यही थी, एक तरीके से वो समझ पा रहे थे कि अगर 70,000 ब्रिटिश मूल के सैनिक हैं और एक्स्ट्रा जो सैनिक हैं वो भारतीय मूल के हैं, तो अगर हम 50,000 सैनिक को जोड़ सकते हैं, एक तरीके से देशभक्ति की भावना जगा कर उनको जोड़ सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी से, तो हम ब्रिटिश एम्पायर के लिए काम कर रहे सोल्जर्स को भी संगठित कर सकते हैं, उनको अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं और इस तरीके से हमारी जो पावर है वो बढ़ जाएगी और डेफिनेटली हम सीधे तौर पर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ पाएंगे। राइट दोस्तों, तो ये एक तरीके से स्ट्रेटजी थी यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे अगर INA के कंपोजिशन में एक दूसरा एस्पेक्ट देखें कि मतलब उसमें कौन कौन सी जाति के लोग, कौन कौन से धर्म के लोग शामिल थे, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल आर्मी में पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता थी, साथ में इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग शामिल थे। राइट, मतलब आप एक तरीके से देख सकते हैं कि इनकी आर्मी में भी एक तरीके से भारत नजर आ रहा था, मतलब कि भारत की जो विविधता थी जाति, धर्म और पुरुष स्त्री को लेकर, वो सब यहां पे दिख रहा था। राइट दोस्तों, और इन सब को जो साथ लेकर चल रहे थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हां दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी को संगठित करते हैं और उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। और दोस्तों इसी इंडियन नेशनल आर्मी के दम पर वो एक तरीके से अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं और दोस्तों इसी लड़ाई के तहत वो अपनी पहली जो कैप्चरिंग करते हैं, पहली जो सफलता हासिल करते हैं लैंड को कैप्चर करने में, वो नॉर्थ ईस्ट में इम्फाल में करते हैं और फिर बाद में वो एक तरीके से बर्मा के रास्ते भी वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बहुत खास सफलता नहीं मिलती है। और दोस्तों इन मोर्चों पर जो इनको असफलताएं मिली उनका सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है, जो माना जाता है, वो ये है कि जापान के द्वारा एक पूरे इंटेंशन से, एक पूरी शक्ति से इनको मदद ना पहुंचाना है, मतलब कि समय पर हथियारों को ना पहुंचाना, रसद सामग्री को ना पहुंचाना और एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में भी ढंग से हेल्प ना करना, तो ये बहुत बड़ा कारण रहा उनके कई सारे मोर्चों पर असफलताएं पाने का। लेकिन फिर भी दोस्तों इंडियन आर्मी के जो भी सोल्जर्स थे उनके मनोबल में, उनके मोटिवेशन में कहीं कोई कमी नहीं थी। ये एक तरीके से उनकी जो इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी जो उनको सफलताएं मिली हैं उससे समझा जा सकता है। राइट दोस्तों, अगर यहां पे फाइनली हम ये डिस्कस करें, ये जानना चाहें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो लीड की जा रही थी आर्मी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, उसका इंपैक्ट किस तरीके से आया, मतलब कि इस आर्मी के द्वारा क्या ब्रिटिश एम्पायर को कोई नुकसान पहुंचा, क्या ब्रिटिश एम्पायर डरी, क्या इंडिया को जो एक तरीके से फ्रीडम मिली उस फ्रीडम को दिलाने में इंडियन नेशनल आर्मी के जो एक तरीके से मोर्चे रहे हैं, जो मुहिम रही है, उनका योगदान रहा है। तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज होता क्या है कि कई बार हम लोग आपस में आर्गूमेंट करते रहते हैं या एक तरीके से पर्सन टू पर्सन एलिगेशन लगाते हैं कि इस आदमी ने या इस लेजेंड ने अगर ये काम किया होता तो देश की आज़ादी जल्दी मिल गई होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों कहना बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों आप ये मत भूलिए कि लड़ाई कोई भी हो, लड़ाई चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वैचारिक लड़ाई हो, हर जगह क्या होता है कि अगर वैचारिक लड़ाई हो रही है तो वैचारिक लड़ाई में भी कई बार क्या होता है कि डिफरेंट जो थॉट्स हैं उनका रोल रहता है, और जो फिजिकल लड़ाई होती है तो उसमें फिजिकल के साथ साथ वैचारिक जो एक तरीके से लड़ाई रहती है, जो एक तरीके जो मनमुटाव रहता है, उसका भी रोल रहता है। और जब लड़ाई जीती जाती है तो किसी एक चीज से नहीं जीती जाती है, खासतौर पर अगर आप किसी देश के लिए लड़ रहे हैं, किसी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और देश को आजादी दिलाने के टर्म में ही अगर आप एक तरीके से विश्व का इतिहास देखेंगे, मतलब कि विश्व के इतिहास में जो डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी कंट्रीज के लिए, अपनी कंट्रीज के फ्रीडम के लिए फाइटिंग की है, तो उस फाइटिंग में एक तरीके से बहुत सारे थॉट्स का रोल रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का रोल रहा है, बहुत सारे लीजेंड्स का रोल रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों इंडिया में भी जितने भी लीजेंड्स रहे हैं सबका अपना अपना रोल है, बिकॉज इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री थी और इस पूरी कंट्री में एक तरीके से जो बड़ा आंदोलन क्रिएट करना था या जो मास मूवमेंट क्रिएट करना था उसके लिए किसी एक व्यक्ति की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। यहां दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के लिए चाहे नरम दल रहा हो चाहे गरम दल रहा हो, इन एक तरीके से मोटे तौर पे इन दोनों दलों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और दोनों का एक तरीके से इक्वली इंपॉर्टेंस रोल रहा है। और दोस्तों इसी रोल में हम यहां पे इंडियन नेशनल आर्मी का भी रोल देख सकते हैं या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल देख सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं आपको उस टाइम का यानी कि तात्कालिक जो एक तरीके से इंपैक्ट था इंडियन नेशनल आर्मी का ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर वो बता देता हूं। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि आईएनए के द्वारा जो भी मुहिम चलाई गई थी, मतलब कि आईएनए के द्वारा जो भी एक तरीके से मोर्चे खोले गए थे उसमें जो सफलताएं मिली, जो असफलताएं मिली, और फाइनली जब ब्रिटिश एम्पायर एक तरीके से इनके जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स रहते हैं उन पर जब केस चलाया जाता है तो केस चलाने की जो बात होती है वो एक तरीके से पूरे भारत देश में फैल जाती है और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से आंदोलन को क्रिएट करने के लिए या यूं कह लें कि आग में घी का काम करती है। जी हां दोस्तों, और आईएनए के ही सिपाहियों की बहादुरी से मोटिवेटेड होकर होता क्या है कि ग्रेट बॉम्बे नेवल स्ट्राइक हो जाती है 1946 में। जी हां दोस्तों, ग्रेट बॉम्बे की नेवल स्ट्राइक हो जाती है, मतलब कि ग्रेट बॉम्बे की जो एक तरीके से नेवी की जो फोर्स होती है वो स्ट्राइक कर देती है, मतलब उसमें जो एक तरीके से भारतीय मूल के जो सिपाही होते हैं वो एक तरीके से मोटिवेटेड हो जाते हैं आईएनए के सिपाहियों की बहादुरी से और वो फाइनली यहां पे स्ट्राइक कर देते हैं 1946 में। और दोस्तों 1946 में इस स्ट्राइक के बाद माना जाता है कि एक तरीके से जो ब्रिटिश एम्पायर होती है या जो ब्रिटिश प्रशासन होता है वो बहुत डर जाता है, वो एक तरीके से मान बैठता है कि अब जो है जो एक तरीके से यहां पे इंडियन सोल्जर्स हैं उन इंडियन सोल्जर्स का एक तरीके से विश्वास हासिल करना बड़ा मुश्किल है या ये हमारे विश्वास के पात्र नहीं हैं जो कि कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो यही एक तरीके से प्रमुख डर रहा होता है इंडिया को तुरंत छोड़ने के लिए, मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर यहां पे डिसीजन लेती है कि एक तरीके से भारत को अब यहां पे तुरंत छोड़ देना चाहिए। राइट दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है इंडियन नेशनल आर्मी का। आप यहां पे जरूर एक तरीके से समझ पा रहे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस का किस तरीके से रोल यहां पे रहा है, कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। राइट दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी यहां पे दोस्तों मेंशन कर दूं कि इंडिया के स्ट्रगल में जितने भी लीजेंड्स रहे हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो क्रांतिकारी विचारधारा का रहा हो या वो अहिंसावादी विचारधारा का रहा हो, सबका एक इंपॉर्टेंस रोल होता है। बिकॉज दोस्तों मैं अगर इस चीज को आपको एक तरीके से साइंस के टर्म में समझाना चाहूं तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, तो होता क्या है कि कई बार रिएक्शन को अकम्प्लिश कराने के लिए हमें फिजिकल कंडीशंस को भी एक तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, मतलब कि कई बार फिजिकल क्वांटिटीज भी या फिजिकल वेरिएशन भी इंपॉर्टेंस रोल अदा करती हैं, चाहे वो चेंज इन प्रेशर हो, चाहे चेंज इन टेंपरेचर हो। और कई बार तो क्या होता है कि वहां पे कैटलिस्ट का भी रोल रहता है और कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एक तरीके से प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है या जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो या ना हो, मतलब वहां पे सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखें या ना दिखें, लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है यानी कि रिएक्शन शुरू होने और प्रोडक्ट मिलने के बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है उसमें बहुत सारी चीजों का रोल रहता है, बहुत सारी चीजों का एक तरीके से इंपॉर्टेंस रहती है और आप उस इंपॉर्टेंस को और उस रोल को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां पे इस वीडियो में जो भी डेटा आप समझ पाए हो उसको जरूर याद कर लें, नोट कर लें। और साथ में आपको इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूं, यहां पे मोदी गवर्नमेंट ने एक तरीके से डिसीजन लिया है कि जो इंडिया गेट है वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टेच्यू लगाई जाएगी। यहां दोस्तों, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, अगर आपको इससे कुछ भी जानने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों इस चैनल में आपको रोज सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए जाते हैं, डिस्कस किया जाता है, तो वो भी आप जरूर देखा करें, उसको मिस मत करिए। और अगर आप ज्यादा ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पर जाइए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, आसानी से याद कर पाएं और उसको नोट भी कर पाएं, ताकि इस नोटेड जानकारी का आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा पाएं और इसकी वहां पे एडवांटेज ले पाएं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। राइट दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।